मेकअप हो या स्किन केयर, हम लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं, और जब बात की जाए सेल या डिस्काउंट या किसी ऑफर की तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हे गाइज, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ नीलम, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन गाइज, बिकॉज गाइज purple.com पर आई हार्ट ब्यूटी सेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि 5th August से लेकर 11th August तक आपको मिल जाएगी। सो दैट ये काफी लंबा टाइम है गाइज, आप सोच समझ कर अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। एंड आई होप गाइज कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ आपके प्रोडक्ट को चूज करने में। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बेस्ट मेकअप रिकमेंडेशन एंड माई न्यूज मेकअप कलेक्शन, जो कि 80% मेकअप मैंने purple.com से ही परचेज किया है, बिकॉज गाइज यहाँ आपको ऑफर मिलते रहते हैं। सो मैं हमेशा विजिट करती रहती हूँ purple.com पर। मुझे पर्सनली purple.com से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप ये वाला मेकअप लुक देखना चाहते हो तो गाइज इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इस मेकअप लुक को मैंने अचीव किया है पर्पल चीपेस्ट मेकअप को यूज़ करके, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर के लिए गाइस आप इस तरह के शीट मास्क ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके स्किन के लिए। शीट मास्क अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है गाइस तो यार क्या करो, शीट मास्क जरूर यूज़ करो। एंड purple.com पर आपको ये 100 रुपये की पैकिंग आपको 60 या 70 रुपये में बहुत ईजिली मिल जाती है गाइस। इवन मैंने इनको परचेस किया था, तो मैंने भी इनको ऑफर में ही परचेस किया था, गुड वाइब्स का ये जो शीट मास्क है गाइस, इसकी MRP 99 रुपीज़ की है, बट मैंने इसको 65 रुपये में परचेस किया है। एंड पर्पल का ये वाला शीट मास्क गाइस, इसको मैंने 70 रुपये में परचेस किया है, तो ये काफी अफोर्डेबल डील है। आप अगर कोई भी सामान परचेस करते हो गाइस तो स्किन केयर के लिए आप शीट मास्क जरूर परचेस कीजिए। नेक्स्ट मेरे पास है गाइस ये वाओ का चारकोल फॉर्मिंग फेस वॉश, एंड एज अ मेकअप रिमूवर गाइस मैं इसको रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, बिकॉज इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो। आपके पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है गाइस, आपकी स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। सो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है एज अ मेकअप रिमूवर गाइस। फेस वॉश आपको काफी मिल जाएंगे, बट सारे फेस वॉश जो है वो आपके मेकअप रिमूवर के लिए अच्छे नहीं होते गाइस, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन मैं इसको यूज करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। अगर आप मुझसे शुरू से कनेक्टेड हो गाइस तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कोई भी स्किन केयर से पहले या किसी भी मेकअप से पहले मैं हमेशा टोनर अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास है यहाँ पर गुड वाइब्स का ये कुकुम्बर टोनर, बिकॉज गाइस कुकुम्बर इंग्रीडियंट मुझे काफी अच्छे से सूट करता है, तो मैंने ये वाला टोनर परचेस किया है। एंड ये आपको इजिली 150 या 200 रुपये में मिल जाएगा purple.com पर, एंड ये काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है गाइस, 200 ml आपको मिल जाएगा इतने कम प्राइस में। एंड ये बहुत अच्छे से सूट करता है आपकी स्किन को, काफ़ी अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करा देता है, एंड ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें आपको काफ़ी सारे इंग्रीडियंट्स मिल जाएंगे, सो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी इंग्रीडियंट वाला टोनर परचेस कर सकते हो। टोनर के बाद में स्किन को मॉइस्चराइज करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है गाइस, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे पास है यहाँ पर ये 2 facial oil, ये दोनों ही गुड वाइब्स के हैं गाइस। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट जो फेशियल ऑयल है वो है गुड वाइब्स का ये अर्गन ऑयल फेशियल ऑयल, एंड ये अगर आप नाइट में इसको यूज करते हो गाइस तो ये आपकी एंटी एजिंग स्किन के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। 30+ हो अगर आप तो आप इसको एवरी नाइट यूज कीजिए, ये आपकी स्किन को यंग करेगा, आपकी स्किन को जवान रखेगा गाइस, जितने भी एंटी एजिंग के साइन होते हैं उनको ये रिमूव करेगा, तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। इसमें आपको गोल्ड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो ये है गुड वाइब्स का ऑलमंड ऑयल फेशियल ऑयल गाइस, ये आप डे टाइम में अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो गाइस, मेकअप से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ इल्यूमिनेटर, एज अ फेशियल ऑयल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसके भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंट है या फिर स्कार्स वगैरह है, तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ कीजिए गाइस। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो 1-1.5 महीने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर गाइस, ये भी काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, काफ़ी डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को नरिश रखता है एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है गाइस। मॉइस्चराइजर मैं रिकमेंड करूंगी गाइस लैक्मे 9 to 5 का ये एलो एक्वा जेल मॉइस्चराइजर गाइस। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये परफेक्ट सूट करेगा गाइस, साथ ही गाइस ये आपकी स्किन पर जो भी एक्स्ट्रा टेक्सचर होता है उसको भी हटाएगा, आपकी स्किन को मैट फ्रैंक दिखाएगा, सो ये काफी अच्छी रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी काफी अच्छे से ब्लर कर देगा, एंड इसको आप एज अ प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पर। मॉइस्चराइजर के बाद आपको प्राइमर अप्लाई करना होता है, तो प्राइमर के लिए मेरे पास 4 रिकमेंडेशन है गाइस। तो उसमें सबसे पहला है गाइस ये लोटस का इको स्टिप प्राइमर, एंड अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो काफी दिनों से गाइस तो आपने देखा होगा मैं इसे बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करती हूँ, एंड ये सिलिकॉन बेस्ड में आपको मिल जाता है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से गाइस, बट ये आपको
400 to 500 की एमआरपी के बीच में मिल जाएगा। सो दैट अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरे पास आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है मेरे पास इनसाइट का ये प्राइमर गाइज, ये भी आपको सिलिकॉन बेस में मिल जाता है एंड ये काफी अच्छी एमआरपी है एंड ये काफी अफोर्डेबल प्राइमर है गाइज, 3-in-1 प्राइमर है। सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, ये आपको 200-250 रुपए की रेंज में इजीली मिल जाएगा। इसका टेक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा है, सिलिकॉन बेस प्रोवाइड करा देता है, आपको मैटिफाइंग लुक प्रोवाइड करा देता है अगर आपकी स्किन ऑयली है, सो दैट आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज मेरे पास है ब्लू हेवन का ये प्राइमर एंड ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है गाइज। ब्लू हेवन ब्रांड का है तो आप समझ सकते हो कि अफोर्डेबल होगा, बिकॉज ब्लू हेवन का कोई भी प्रोडक्ट गाइज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगेन गाइज अगर मैं इसके भी टेक्सचर की बात करूँ तो ये भी आपकी ऑयली स्किन के टेक्सचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये सिलिकॉन बेस में मिल जाता है आपको, आपकी स्किन को मैटिफाइन करता है, आपके पोर्स को ब्लर करता है। तो ये जो प्राइमर है गाइज वो भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे ड्राई स्किन के लिए कौन सा वाला प्राइमर सूटेबल रहेगा, तो ड्राई स्किन के लिए गाइज मैं रिकमेंड करूंगी आपको मेबेलिन फिट मी का ये मैट प्लस पोरलेस प्राइमर गाइज एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ गाइज ये ड्राई स्किन को भी अच्छे से सूट करेगा, बिकॉज गाइज ये आपको क्रीमी टेक्सचर में मिल जाता है, क्रीम बेस में मिल जाता है, साथ ही साथ ये हल्के से व्हाइट कलर में आपको मिल जाएगा, सो दैट ये आपको एक न्यूट्रल सा ग्लो भी प्रोवाइड करा देगा। ये दोनों प्राइमर गाइज आपको 400 से 500 की रेंज में मिल जाएंगे, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है गाइज। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो गाइज तो आप ब्लू हेवन और इनसाइड जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो, ये आपको अफोर्डेबल भी मिल जाएंगे प्लस आपको क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। प्राइमर के बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो अपने फेस पर, तो फाउंडेशन के लिए गाइज सबसे अच्छी रिकमेंडेशन है ये फिटमी का ये मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है 320, जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप 320 से वन शेड लाइटर लेते हो या फिर वन शेड डार्कर भी लेते हो तो भी आपकी मीडियम स्किन टोन को अच्छे से चल जाएगा गाइज, बिकॉज इस फाउंडेशन में बहुत सारे शेड्स हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। आपकी मीडियम टोन के लिए आपको 3-4 शेड आप आराम से सर्च कर सकते हो एंड ये मिनिएचर पैकेजिंग है गाइज, आपको 250 रुपए में इतनी छोटी पैकिंग मिल जाती है, बट ये फुल कवरेज एंड वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये फाउंडेशन गाइज, इसको आप रेगुलर बेस पर यूज कर सकते हो। कवरेज की अगर बात करूँ गाइज तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, बट इसमें आपको लाइक बेबी क्रीम जैसा कुछ इफेक्ट मिल जाएगा, सो दैट आप इसको रेगुलर बेस पर यूज कर सकते हो। ये भी आपकी स्किन को काफी अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करा देता है, ये थोड़ा सा क्रीम टेक्सचर में होता है, सो दैट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको परफेक्ट सूट करेगा गाइज। इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 03 नॉर्मल बेस गाइज एंड ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, नरिश भी करता है, साथ ही साथ गाइज ये काफी अच्छा सा बेस भी प्रोवाइड करा देता है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हो। फाउंडेशन के बाद आपको कंसीलर अप्लाई करना होता है, तो कंसीलर के लिए मेरे पास है ये मेबेलिन फिट मी का ये कंसीलर एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 20, शेड नेम है सेंट, जो कि आपकी मीडियम स्किन टोन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट कंसीलर है मेरे पास ये ब्लू हेवन का कंसीलर गाइज, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, 150 रुपए की एमआरपी में आपको मिल जाता है गाइज। इसमें जो मेरा शेड है वो है हनी, जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा वाला कंसीलर गाइज। इसका टेक्सचर भी काफी ज्यादा स्मूथ है एंड ये आपको फुल कवरेज कंसीलर मिल जाता है, साथ ही साथ गाइज वाटरप्रूफ भी है, सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है गाइज इनसाइड का ये कवर पॉट कंसीलर, जो कि आपको इतनी छोटी सी पैकेजिंग में मिल जाता है, 100 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाएगा गाइज एंड ये कुछ क्रीम टेक्सचर में आपको मिल जाता है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, यू कैन सी बहुत अच्छा टेक्सचर है गाइज। इसमें आपको काफी सारे कलर शेड मिल जाते हैं, इसमें आप कॉन्ट्रो शेड भी ले सकते हो गाइज, इसमें आपको कलर करेक्टर भी मिल जाते हैं, आप कोई भी शेड परचेज कर सकते हो गाइज, बट इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको परफेक्ट सूट करेगा, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में मिल जाता है। मेरे पास है गाइज स्विस ब्यूटी की ये कंसील कवर स्टूडियो पैलेट एंड इसमें आपको 8 शेड मिल जाते हैं, जो कि आपको 200 से 250 की रेंज में इजीली मिल जाते हैं एंड ये आपको क्रीम टेक्सचर में मिल जाएंगे गाइस, सो दैट आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको परफेक्ट सूट करेगा, बट ऑयली स्किन वालों को शायद ही सूट ना करे। इसमें आपको कॉन्टूर शेड भी मिल जाता है एंड इसमें आपको कलर करेक्टर भी मिल जाता है, सो दैट आई वुड से गाइस कि ये 250 रुपए में जहाँ आपको ये 8 शेड मिल जाते हैं गाइज, वहीं इनसाइड में आपको ये 100 रुपए का एक छोटा सा कवर पॉट मिलता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए गाइज आपको कौन सा वाला चाहिए। दोनों की ही कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी है गाइज, तो कॉन्टोर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी शुगर की ये 3-in-1 कॉन्टोर D4
डी फोर्स फेस पैलेट गाइस, इसमें आपको 3-in-1 शेड मिल जाते हैं, जहां आपको कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर तीनों ही मिल जाते हैं। इसमें जो मेरा शेड है गाइस, वो है शेड नंबर 02, जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है एंड ये हाईली रिकमेंडेड है गाइस मेरी तरफ से। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है इनसाइड की 2-in-1 ड्यूल स्टिक गाइस, इसमें एक साइड आपको कॉन्टोर मिल जाता है गाइस और दूसरी साइड आपको इसमें हाइलाइटर मिल जाता है। इसके दोनों ही शेड बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। सो ये आपको काफी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा गाइस, 100-150 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, बट ये बहुत ही ज्यादा वर्थ वाइंग है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो गाइस तो आपने देखा होगा मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसको यूज किया है एंड इसके रिजल्ट ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग है। ब्लश के लिए मैं रिकमेंड करूंगी गाइस स्विस ब्यूटी का ये ब्लश, इसमें जो मेरा शेड है वो है एप्रिकोट पीच शेड नंबर 11 एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा शेड है गाइस एंड ये आपको थोड़े से शिमरी लुक में मिल जाएगा गाइस, ये मैट लुक नहीं है इसका, सो दैट अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम चलेगा, बिकॉज ये आपके फेस को हाईलाइट भी करता है। शेड की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी शेड है, मीडियम स्किन टोन है अगर आपका तो ये एप्रिकोट पीच शेड जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से जाएगा। 200 रुपये की MRP में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, सो दैट हाईली रिकमेंडेड है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ये। हाइलाइटर के लिए गाइज मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर एंड ये भी आपको 200-250 रुपए की रेंज में इजीली मिल जाएगा। इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है शेड नंबर 05 एंड ये थोड़ा सा ब्राउन लुक में आपको मिल जाता है एंड ये हाइलाइटर बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। सी गाइज बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है। अगर आपका मीडियम स्किन टोन है गाइस तो आप हमेशा ब्राउन शेड में ही परचेज कीजिए, अगर आप सिल्वर टाइप का कुछ लेते हो तो वो आपकी मीडियम स्किन टोन पर बहुत ज्यादा आउट नजर आता है। आई शेडो पैलेट की बात करूं गाइस तो मेरे पास है स्विस ब्यूटी की ये मिनी आई शेडो पैलेट, जो कि मैंने पर्पल से ही परचेज की थी अभी 1-2 महीने पहले ही एंड ये हाईली पिगमेंटेड है गाइस, बहुत अच्छी एंड वर्सटाइल आई शेडो पैलेट है। इसमें आपको सारे के सारे न्यूड शेड मिल जाते हैं गाइस, 9 शेड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें जो मेरा शेड है गाइस वो है 06 आई शेडो पैलेट इसका शेड है गाइस एंड इसमें आपको सारे के सारे न्यूड शेड मिल जाते हैं, सो दैट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं न्यूड शेड। काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है गाइस, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड ये आपको 206 में मिल जाएगा इजिली। मस्कारा के लिए मेरे पास है गाइस मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेवलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कल मस्कारा एंड इस टाइम मैंने यही मस्कारा अप्लाई किया है, मैंने कोई फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया। यू कैन सी गाइस बहुत अच्छा मस्कारा है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड या वाटरप्रूफ है, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो गाइस विदाउट एनी डाउट। आईलाइनर के लिए गाइस मैं रिकमेंड करूंगी आपको इनसाइड का ये जेल आईलाइनर, ये वाटरप्रूफ आईलाइनर गाइस और ये सिर्फ 70 रुपए में आपको मिल जाएगा। इंटेंस ब्लैक कलर है गाइस, यू कैन सी मैंने अभी इसी को अप्लाई किया है। इसकी सबसे अच्छी बात है गाइस कि इसके जो ब्रेसल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है, सो दैट इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर पाओगे, यू कैन सी। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस, 70 रुपए में आपको इससे ज़्यादा अच्छा आईलाइनर कहीं भी नहीं मिलेगा एंड ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है गाइस, साथ ही काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, सो दैट ये थोड़ा सा मैट लुक प्रोवाइड कराता है, हाईली रिकमेंडेड है। आईब्रो पेंसिल के लिए गाइस मेरे पास एक इतना अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, वो है ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल, बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है। 70 या 75 रुपए में आई थिंक मुझे ये मिल गई थी एंड इसको मैंने रिसेंटली ही परचेज किया है गाइस, कुछ 15 या 20 दिन पहले एंड इसको मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था मैंने जब ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया था। तो अगर आप इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो आप उस वाले वीडियो को पूरा जाके देखिए गाइस, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतने चीप प्राइस में आपको इससे ज़्यादा बेटर आईब्रो पेंसिल कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। पूरे फेस को सेट करने के लिए गाइस मेरे पास है ये लूज पाउडर, जो कि है लैक्मी का लूज पाउडर। इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 01 और इस शेड का नाम है सॉफ्ट पिंक। ये काफी अच्छा वाला पाउडर है गाइस, 150 रुपए में आपको इतना बड़ा कंटेनर मिल जाता है एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से बेक करता है, सेट करता है आपके फेस को। अगर आपकी स्किन टोन मीडियम है गाइस तो फिर आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ना लगाकर आप हमेशा रोज पाउडर वगैरह अप्लाई कीजिए या फिर बनाना पाउडर अप्लाई कीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा एक सटल सा लुक मिल जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि आप सबको पता है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलते हैं हमारे लिपस्टिक की साइड, तो लिपस्टिक के लिए गाइस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है लिपस्टिक के लिए गाइस और ये सारे ही मेरे पर्सनल फेवरेट वाले लिपस्टिक है और इन सबको ही मैंने purple.com से परचेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ पर्पल वाले
लिपस्टिक की, तो ये है पर्पल की मिनी लिपस्टिक। मेरे दो शेड है गाइस, एक है शेड नंबर 19 और ये वाला है शेड नंबर 20। इनके लिप स्वेचेस एंड हैंड स्वेचेस मैं ऑलरेडी मेरी वीडियो में दे चुकी हूँ, तो अगर आपको इनके स्वेचेस देखने हैं तो आप मेरी लिपस्टिक वाली वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट लिपस्टिक है गाइस मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली लिपस्टिक है गाइस, एंड इसका टेक्सचर तो मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा रिच इन टेक्सचर है गाइस, एंड न्यूड शेड है, परफेक्ट न्यूड शेड है गाइस। अगर आप टीनेजर भी हो तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है गाइस। तो इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं गाइस, इसका जो रूबी रेड शेड है उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला शेड है। मैंने जब परचेज किया था गाइस तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, दैट्स व्हाई मैं उसको परचेज नहीं कर पाई थी, बट मैंने उसको विश लिस्ट में डाल के रखा है और मैं वेट कर रही हूँ सेल का, जब सेल स्टार्ट होगी तभी मैं उसको परचेज करूंगी। एंड आप मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक लाइक करते हो तो आपके लिए गुड रिकमेंडेशन है गाइज ये लोटस की मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक, एंड इसका जो शेड है वो बहुत ज्यादा प्रिटी है गाइज, प्रॉपर न्यूड शेड है गाइज यू कैन सी, एंड ये आपके लिप्स को 24 आवर्स मॉइस्चराइज रखेगी गाइज। एंड अगर आप इसको एज अ लिपस्टिक अप्लाई करोगे गाइज तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे नहीं करती बिकॉज ये बुलेट लिपस्टिक है गाइज, एंड ये बिल्कुल भी मैट नहीं करती आपके लिप्स को, बट गाइज एज अ मॉइस्चराइजर अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट मी गाइज इससे ज्यादा बेटर मॉइस्चराइजर लिपस्टिक आपको शायद नहीं मिल सकती है। पूरे फेस को सेट करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर, एंड ये मेकअप फिक्सर काफी ज्यादा अफोर्डेबल है गाइज, साथ ही साथ काफी अच्छा वर्क करता है आपके मेकअप पर, लॉन्ग स्टे रखता है आपके मेकअप को, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइज ये थी मेरी मेकअप रिकमेंडेशन, आई होप आपको मेरी मेकअप रिकमेंडेशन पसंद आई होगी, और आई नो गाइज मैंने आज बहुत ज्यादा फास्ट बोला है मेरी वीडियो में, सो मैं वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, पर सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू लॉट। Bye-bye.